अब मैं डॉक्टर अभिलाषा गौतम जी, अब हम लोग आज के जो को ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर हेमंत जोशी जी, जो एक डॉक्टर भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, और इनके दिल में ये रहता है कि किस तरह से जो है हम लोग इस जो अभियान है हेल्थ फॉर ऑल, उसको आगे बढ़ाएं। क्या इस समय की जो समस्या है हेल्थ से संबंधित, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो डॉक्टर हेमंत जोशी जी का मानना है कि जागरूकता जो है, शिक्षा जो है, वो आप जहां भी आपके पास ज्ञान है आप 10 लोगों को बांटिए। जैसे ये रिकॉर्डिंग होती है, शुरू में आपने सुना कि उनका ये था कि इस चीज को भी अगर हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, तो डॉक्टर सरीन साहब, डॉक्टर डी आर राय साहब ने जो कुछ भी कहा, और आगे जो है डॉक्टर गिरीश त्यागी जी बोलेंगे और डॉक्टर हेमंत जोशी जी बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड करने से भी बहुत कुछ हम पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। तो आज के मुख्य अतिथि और आज के सह आयोजक को होस्ट मुंबई से आज ये प्रोग्राम हो रहा है, अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 231वां संस्करण है, जो कि 2047 तक का हर रविवार आरजेएस वेबिनार का लक्ष्य है, और नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड ये कार्यक्रम जा रहा है। यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे इसे लाइव भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज के डॉक्टर्स डे पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत जोशी जी को सादर आमंत्रित करेंगे, जो जोशी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल विरार मुंबई महाराष्ट्र में है। स्वागत है सर, डॉक्टर हेमंत जोशी। जी जय हिंद। पुलिस और सेना मिलने पे जय हिंद बोलते हैं। हम जय हिंद बोलेंगे तो सेवा की भावना जागृत होगी, तो आज से हम मिलने पे जय हिंद बोलेंगे। इस राष्ट्र की आरोग्य समस्या क्या है, यानी हमारी और आपकी, ये सबको 75 साल से जान मालूम है। वो तीन है, हमारे आबादी, हमारा अज्ञान है और हमारी गरीबी है। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो लोग ज्ञानी होंगे, वो पैसा कमा पाएंगे और वो जान पाएंगे कि ज्यादा बच्चे होने से ही गरीबी है, तो आबादी भी कम हो जाएगी। तो इन तीन में से हमें जो ज्ञान है वो हम सबको दे सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ज्ञान हर साल दुगुना होता है और हमें पहले ही मालूम नहीं है, तो हमें जो आता है वो हमने सबको बांटना चाहिए। जैसे इस मुल्क देश में रोज 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा सरकारी दफ्तरों में गिनती होती है। तो हर 7 बच्चों के पीछे अगर 3 बच्चों की गिनती नहीं होती होगी, तो 30,000 अगर और होते होंगे तो करीब लाख बच्चे गलत के, मोटा मोटा जाएगा पकड़ो, ये। मोटा मोटा पकड़े, 1 लाख बच्चे रोज पैदा होते हैं। हमने रोज 1 लाख लोगों को ज्ञानी किया तो भी हमारी आबादी 150 करोड़ की अनाड़ी रहेगी, तो हमें उससे बड़ा कदम लेना पड़ेगा। तो विष्णु जी का वामन रूप था, उन्होंने एक कदम में पृथ्वी व्यापी थी, उस तरीके से हम यह सोशल मीडिया वापर कर हमें सबको सिखाना है। एक पत्रकार 1,000 डॉक्टरों से ज्यादा लोगों का आरोग्य सुधारता है अगर वो आरोग्य की शिक्षा दे। और हम अगर खुद, हमें जो अच्छा आता है वो सामाजिक माध्यमों की मदद से लोगों को सिखाए, तो हम ही आरोग्य पत्रकार हो गए। और हमें ऐसा, हर एक को ऐसा कुछ ना कुछ तो आता है जो सबके काम का है, तो उसे हम कैसा करें? तो समझो मैं 70 साल का हूँ और आज सीखूंगा और मैं रात को मर गया तो वो कोई काम का नहीं, लेकिन जवानों को सिखाऊंगा, बच्चों को सिखाऊंगा तो उन्हें जिंदगी भर लाभ होगा। और युवा है इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पे 1 मिनट की फिल्म चलती है, 1 मिनट की वीडियो चलती है, और 1 मिनट में 100 शब्द बोल सकते हैं। तो हमें जो आज अच्छा आता है, सुबह सुबह उठ के नहा के बाथरूम के बाहर आने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो बनाए, हमें जो अच्छा आता है वो एक 100 शब्दों में लिखे, उसे बोल दे और उसे इंस्टाग्राम में डाल दे। और जितनी भाषा में आता है, जैसे हमें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, मैथिली, गढ़वाली, मगही, अवधी, जो भी आपकी भाषा है, जितनी आती है उतनी ज्यादा भाषाओं में डालें, क्यों, ताकि दादी नानी हर आदमी समझे।
दादी नानी बदली तो ही घर बदलेगा, फिर लोग बदलेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे ज्ञान से पूरा मुल्क ज्ञानी होगा, और हम ज्ञानी हो जाएंगे तो समझो हमने पैसा कैसा कमाया, पैसा कैसा बचाया ये सीखा है, तो भी लोग श्रीमंत हो जाएंगे। अगर लोग जानेंगे कि बच्चे कैसे होते हैं या कम कैसे हुए, या ज्यादा आबादी बच्चे होने से गरीबी आती है ये भी समझे, अगर हम सबको बताए तो लाभ हो जाएगा। हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार ने परिवार नियोजन का बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू है पिछले 50 साल। उसमें उन्होंने औरतों को ये काम दिया है कि वो घर घर जाके सिखाए, और मुल्ला मौलवी मस्जिद में बताते हैं कि आप परिवार नियोजन करें। तो आज बांग्लादेश के हर 10 में से 6-7 घरों में दो ही बच्चे हैं, और आज हमसे बांग्लादेश आर्थिक दृष्टया ज्यादा अच्छा है। सो बांग्लादेश नंबर 1 है, नंबर 2 3 हमें, और पाकिस्तान नंबर 3 है। तो हमें बांग्लादेश से जरूर सीखना चाहिए। आप बांग्लादेश मिरेकल यूट्यूब में लिखिए, आपको वीडियो दिखेगी इसकी। तो जो बांग्लादेश को हमने आजाद किया, मदद किया, वो आज हमसे आगे है आर्थिक दृष्टा, और इसका एक कारण वो परिवार नियोजन अच्छा करते हैं, और लोक शिक्षा से कम पैसे में सर्वाधिक आरोग्य का भला होता है। यह हर डॉक्टर सीखता है, पर किसी को समय नहीं है। और सरकार जितना पैसा दवा करने में करती है डालती है, उतना पैसा लोक शिक्षा में डाले तो हमारा आरोग्य बहुत अच्छा सुधरेगा। तो एक आरोग्य खाता जैसे विभाग है, वैसा आरोग्य शिक्षा विभाग सरकार का चाहिए। अभी सरकार ने 12-25 चैनल चालू कर रहे शिक्षा है, तो वैसे एक आरोग्य के भी चैनल चालू हो जाना चाहिए। आप सबने मेरा अच्छा सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसमें से जो पसंद आए, आप 150 करोड़ भारतीयों को जरूर बताइए। कुछ और बताता हूँ, गंगा यमुना का पानी मीठा है, सब नदियां मीठा पानी समुन्द्र में डालती है, पर समुन्द्र खारा ही रहता है, उसमें फर्क नहीं। उस तरीके से हम 5-50 लोगों को सिखाकर 150 करोड़ का देश नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसमें 1 लाख बच्चे रोज आते हैं। तो हमें 150 करोड़ लोगों को कैसा सिखाना, यह या मतलब सर्वाधिक लोगों को कैसा सिखाना या सेवा देना, ये करना पड़ेगा। 5-50 लोगों का एक क्लास लेकर या छोटा मोटा काम करने से पिछले 75 सालों में यह देश नहीं सुधरा है। तो हम सबको बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर जोशी, आपने गागर में सागर भर दिया अपने की। एक राष्ट्र को यदि सुदृढ़ करना है तो आरोग्य शिक्षा विभाग की स्थापना करने की आवश्यकता है। वो शिक्षा विभाग जो नागरिकों को बताएगा किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रखें और किस प्रकार से इस देश में को पूर्ण तौर पर रोग मुक्त रखा जा सकता है छोटे छोटे प्रयासों के साथ। और ये बातें परिवार नियोजन की आपने बात कही, परिवार नियोजन मैं भी अपने बचपन से सुनती आ रही हूँ सर कि ये होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक कुछ इसके ऊपर बहुत नीतियां साक्षर सही प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर हमारा नागरिक इतना अभी तक कॉन्शियस नहीं हुआ है कि इस बात को सीरियसली ले। तो आज ये वास्तव में समय आ गया है कि हम इन बातों पर पुनर्विचार करें और अपने राष्ट्र को स्वच्छ चिकित्सकों से नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ही पूछता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हेमंत जोशी जी चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान को शेयर करेंगे, जैसे पत्रकारों के बारे में कहा, डॉक्टरों के बारे में भी कहा, और छोटी छोटी चीजें टिप्स जो हैं फेसबुक पे, जैसे डॉक्टर योगेश सरीन जी का मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, और भी डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर हेमंत जोशी जी, आपने जो पुस्तिका लिखी है कुछ उसके बारे में बताएंगे कि क्या उसमें ऐसी चीजें हैं, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर आप हैं और एक और बच्चों के जो सर्जन हैं डॉक्टर योगेश सरीन जी, तो अवेयरनेस के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत जोशी जी? हमारी 12 भाषाओं में किताबें और वीडियोस है आरोग्य के ऊपर, तो आप मेरा नंबर लिख लेंगे तो मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको भेज दूंगा नाम और ईमेल। मेरा फोन नंबर है 9823281447, मैं मैसेज में डाल दूंगा, लिख दूंगा। और
भारत सरकार हर साल बजट करती है, उसके पहले वो आर्थिक अभ्यास भी करती है। उसी तरीके से सरकार आरोग्य का, परिवार के आरोग्य का अभ्यास हर 5 साल से करती है। तो उस अभ्यास का हमने अभ्यास किया और लिख के निकाला कि हमारे परिवार की तकलीफें क्या है, उन्हें हम कैसा टाले और हुआ तो क्या करें। तो ये हमने 10 भाषा में छापा है और आपको चाहे तो हम भेज सकते हैं। और मूल ये है कि हम सब जो अच्छा जानते हैं सबको देते रहे तो ये मुल्क अच्छा हो जाएगा, तो ये हम जरूर करेंगे।